नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटना चक्र पुनरावलोकन सामान्य हिंदी आरओ यारो टेस्ट सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 16 है दोस्तों। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटना चक्र पुनरावलोकन सामान्य हिंदी आरओ यारो के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट से सभी वीडियो को देखते रहिएगा, धन्यवाद। तो आइए दोस्तों सीधे प्रश्नों पर आते हैं। खाट का तत्सम रूप है, खाट का तत्सम रूप क्या है? तो खाट का तत्सम रूप है खटवा। खटवा विकल्प ए जो है आपका सही है, यूपी एनटी एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 42 देखिएगा, पनही शब्द का तत्सम क्या है? पनही शब्द का तत्सम जो है उपानह है, उपानह विकल्प डी, यूपी एनटी एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है ये। पनही का तत्सम उपानह होता है, पड़ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव जो होगा पान होगा, जबकि तांबुल पान का पर्यायवाची है, पढ़ही से इसका कोई संबंध नहीं है। तो यह जाना कि पड़ का जो है, पड़ जो है तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा वह होगा पान और पनही का तत्सम क्या होगा? उपानह। प्रश्न 43 देखिएगा, पड़ का तद्भव शब्द क्या है? पड़ का तद्भव शब्द क्या है? पन्ना विकल्प सी जो है आपका सही है। पड़ का तद्भव शब्द क्या है? पन्ना। यहाँ पड़ का पड़ तत्सम शब्द है, पड़ का तद्भव पान बताया है, तो पान कही है फिर पन्ना कही है, बात वही है। यूपीआरओ एआरओ एग्जाम में 2010 में पूछा गया प्रश्न है ये। पड़ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? पन्ना, पान तथा पनवार आदि सब होता है। प्रश्न 44 देखिएगा, पोखर का तत्सम रूप क्या है? पोखर का जो तत्सम रूप है वह है पुष्कर। पुष्कर, पुष्कर मतलब तालाब, पोखर का तत्सम रूप पुष्कर होता है। प्रश्न 45 देखिएगा, दाहिना का तत्सम रूप क्या है? तो दक्षिण है, विकल्प बी जो है आपका सही है, यूपी एनटी एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 46 देखिएगा, सुई का तत्सम रूप क्या है? सूची, सूची। सुई का तत्सम रूप क्या है? सूची है, सूची, सूची है, यूपी एनटी एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है। सुई का तत्सम रूप है सूची या सूचिका, शेष विकल्प इससे इसका कोई संबंध नहीं है। प्रश्न 47 देखिएगा, हस्त का तद्भव शब्द क्या है? हस्त का तद्भव शब्द क्या है? तो हस्त का तद्भव शब्द है हाथ। हस्त का तद्भव शब्द क्या है? हाथ है, हाथ। यूपी एनटी एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है, हस्त का तद्भव शब्द हाथ है, हाथी का तत्सम क्या है? तो हस्ती है, हस्ती। प्रश्न 48 देखिएगा, ससुर शब्द का तत्सम रूप होगा? तो ससुर शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? श्वसुर होगा, स्वसुर, स्वसुर होगा ससुर का तत्सम रूप। और यह भी देखिए यूपीएसडीआई एग्जाम 2006 में पूछा गया यह प्रश्न है, ससुर शब्द तत्सम रूप है, इसका तत्सम क्या होगा? तद्भव, ससुर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा? श्वसुर और ससुर, देखिए ये दोनों ऐसे ही लिखते हैं, दोनों सही है। प्रश्न 49 देखिएगा, ससुर का तत्सम रूप क्या है? तो ससुर होगा, यूपी आरओ यारओ प्रीलिम्स परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न 50 देखिएगा, ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तो ओठ आपका तद्भव है, तद्भव है ओठ, विकल्प सी, इसका जो तत्सम होगा ओष्ठ होगा, ओष्ठ, यूपी एस डी आई एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है ये, ओष्ठ होगा इसका तत्सम। प्रश्न 51 देखिएगा, इनमें से तत्सम शब्द का चयन करना, तत्सम क्या है इसमें से? तो देखिए कान, बाहर, दिन, जमुना, कौन है तत्सम रूप? तो दिन जो है आपका तत्सम है, इसका जो तद्भव होगा वह होगा दिवस। लोग सोचेंगे दिवस होगा तत्सम, दिवस तत्सम नहीं होगा, दिवस जो आपका तद्भव होगा। दिन तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दिवस होता है, जबकि कान शब्द कड़ का तद्भव रूप है, बाहर शब्द ब्राह्य का तद्भव, ब्राह्य का तद्भव रूप है, और जमुना शब्द यमुना का तद्भव रूप है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 52 देखिएगा, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इच्छु है, इच्छु, विकल्प सी, यूपी एस डी आई एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है ये। इसकी व्याख्या देख लीजिए, ईख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? इच्छु होगा, जबकि गन्ना ईख का पर्यायवाची है। प्रश्न 53 देखिएगा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप क्या है? अट्टालिका, अट्टालिका है, विकल्प डी जो है आपका सही है, यूपी एस डी आई एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 54 देखिएगा, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करना है, तद्भव शब्द क्या है? तो बंदर जो है आपका तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होगा वह होगा वानर, वानर, ध्यान रखिएगा, यूपी एस डी आई एग्जाम 2006 में पूछा गया यह भी प्रश्न है। बंदर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वानर होता है, तत्सम शब्द भ्रमर का तद्भव रूप भौंरा होगा, पवन शब्द तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा? हवा होगा, हवा। प्रश्न 55 देखिएगा, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करिए, मतलब एक तरफ तद्भव है एक तरफ तत्सम है, तो हत्ता चिन्हित करिए, तो कौन है? तो देखिए
एक तरफ तद्भव एक तरफ तत्सम। हत्ता का हाथ, देखिए एक तरफ तद्भव रहेगा तो यहाँ पर यह आपका इसमें त्रुटि है, त्रुटि है। रत्ता और रात तो ऐसी बात नहीं है, रात आपका तद्भव है, इसका तत्सम जो होगा रात्रि होगा। तो यहाँ क्रम से भी गलत लिखा है और शब्द भी गलत हैं। नाच, देखिए नच्चा और नाच, देखिए यहाँ पर नृत्य होता है, तत्सम होता है, और उसका जो तद्भव होगा वह नाच होगा। तो यहाँ पर भी गलत भी लिखा हुआ है और क्रम भी गलत है। लेकिन यही पत्ता और पत्र आपका सही है, विकल्प सी जो है आपका सही है। UPSDI एग्जाम 2006 में पूछा गया प्रश्न ये। तद्भव से तत्सम बना सही शब्द युग्म पत्ता या पत्र है, जबकि इसी रूप में अन्य विकल्पों का सही शब्द युग्म इस प्रकार है कि हाथ का होगा हस्त, रात का होगा रात्रि, और नाच का होगा नृत्य, ऐसे करके। प्रश्न 56 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तत्सम नहीं है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो देखिए आँख आपका तद्भव है, यहीं पर पता चल गया, विकल्प ए जो है यही आपका सही होगा, बाकी सब सही है। UPRO प्रीलिम्स परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है, आँख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जो होगा अच्छी होगा, अच्छी। नयन, नेत्र, दीर्घ आँख के पर्यायवाची हैं। प्रश्न 57 देखिएगा, निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों के युग में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो कौन त्रुटिपूर्ण है तत्सम तद्भव में से। तो देखिए गोमय का तद्भव क्या होगा, गोबर होगा, शीर है, सही है। क्षीर का खीर होगा, यह भी सही है। सपत्नी का शौत होगा, यह भी आपका सही है, शौत को तत्सम जो होगा सपत्नी होगा। पर्यंक का पटरी नहीं होता है, पर्यंक का पलंग होता है, पलंग, विकल्प सी जो है आपका इसे ही अशुद्ध दिया है, तो सी जो होगा सही होगा इसमें। प्रश्न 58 देखिएगा, इनमें से तद्भव शब्द क्या है, तो बंदर जो है आपका तद्भव शब्द है, विकल्प बी। RU मेंस परीक्षा 2010 में पूछा गया सही है प्रश्न है। बंदर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, बानर होगा। पवन तथा हरि पर्यंक तत्सम शब्द हैं, देखिए पवन का मतलब हवा और पर्यंक का मतलब पलंग, यह सब सभी तत्सम शब्द हैं। इसके तद्भव क्या होंगे, पौन, अच्छा पौन होगा, पवन का पौन आप तद्भव कर सकते हैं, पवन पौन, और पर्यंग का क्या होगा, पलंग होगा। प्रश्न 59 देखिएगा, द्राक्षा का तद्भव रूप क्या है, तो दाक है, दाक, विकल्प ए जो है आपका सही है, द्राक्षा का तद्भव रूप है दाक। प्रश्न 60 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, नृत्य का तद्भव शब्द क्या है, तो नाच है, नाच, विकल्प बी जो है आपका सही है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, और अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, घटनाचक्र पुनरावलोकन सामान्य हिंदी RO के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट के जितने भी वीडियो हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं, उसे देखते रहिएगा। और 7000 क्वेश्चन की रामबाण टेस्ट सीरीज है RO जनरल श्री के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, धन्यवाद।